हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था बाल्य अवस्था पर, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस जो भी 10-15 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएड के, और उन सभी सेंटर पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूँ जो पूछे जाते हैं और फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से वो रिलेटेड हो सकते हैं। आज हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। डिस्कस द की फैक्टर्स इन डिटेल विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। पहला जो क्वेश्चन था आपका, पहला जो वीडियो मैंने बनाया था, बाल्य अवस्था क्या है, बाल्य अवस्था के दौरान होने वाले विकास के विभिन्न आयामों की व्याख्या करें, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बाल्य अवस्था, यहाँ भी है, देखिए यहाँ पर चाइल्डहुड है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट किस तरीके से करता है और किस किस तरीके से उसका ग्रोथ होता है, इसको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेना ज़रूरी है, यहाँ पर दो बार रिपीट हुआ है कि चाइल्डहुड जो एज होती है, चाइल्डहुड जो एज होती है, ये इसको दो भागों में, इसको कितने भागों में, दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग होता है आपका वो क्या कहलाता है, वो होता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है आपका 2 साल से कितने साल तक होता है, वो 6 साल तक होता है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर होता है वो होता है आपका लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड आपका होता है 6 से लेकर के 11 साल तक या 12 साल तक भी इसको कहा जाता है। अब इसको समझते हैं, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट होती क्या है और ग्रोथ क्या होता है, दोनों चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि की फैक्टर्स क्या क्या है जो डेवलपमेंट को, चाइल्डहुड के डेवलपमेंट को, के प्रोसेस को क्या करता है, वो अफेक्ट करता है, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेंगे कि डेवलपमेंट होती क्या है। देखो स्टार्टिंग से अगर आप अपनी एज के अकॉर्डिंग देखेंगे, जब आप बच्चे में थे तो आपकी जो प्रोसेस है बड़े होने की, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो संवेदनात्मक विकास हो, किसी भी तरीके से जो डेवलपमेंट की बात होती है उसको डेवलपमेंट में रखा जाता है। और उसी तरह से ग्रोथ होता है, ग्रोथ जो होता है वो भी एक तरह का जो विकास होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, जब पेट बच्चे माँ के पेट में ही होता है, उस टाइम से ही उसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट है उसमें दोनों तरीके से देखा जा सकता है, इंटरनली भी देखा जा सकता है, इंटरनली जैसे कि उसके हार्ट का बड़ा होना, उसके सांसों को का तेज लेना, या फिर उसके अलावा इंटरनली आप बोन का होना, बोन का बन जाना धीरे धीरे से, ब्लड सर्कुलेशन का तेज होना, उसके अलावा अगर आउटरनली देखें, फिजिकली भी यहाँ पर देखें, तो फिजिकली में क्या होता है, उसके आकार का बड़ा होना, उसके वेट का ज़्यादा होना, उसकी लंबाई का ज़्यादा होना, हाथ का बड़ा होना, जैसे मैंने इन्फेंसी एज में बताया था कि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे बड़ा उसका सर होता है, सर के बाद में जब डेवलपमेंट होना शुरू होता है तो क्या होता है, फिर कंधा, फिर उसके बाद आर्म्स बड़े होते हैं, उसके पेट, फिर उसके बाद उसका पैर बड़ा होता है। तो यही है कि डेवलपमेंट जो होता है बच्चे के एज में वो कौन कौन से और किस किस तरीके से होता है, उसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम सारी चीज़ों को लाइन टू लाइन डिस्कस करके आपको समझा देंगे। ये मटेरियल आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत सफिशियंट है, अगर आपको इसके अलावा भी मटेरियल प्रोवाइड की जरूरत हो तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, बट इतना जो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो बहुत सफिशियंट है। देखिए, डेवलपमेंट डजंट कंसिस्ट मेयरली ऑफ एडिंग इंचेस टू वंस हाइट वेट, देर आर सर्टन ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट एंड बिहेवियर, नेचर ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग मैनर। इसके कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये किसी एक पार्टिकुलर वे से नहीं देखा जा सकता है, सिर्फ उसके वेट को, सिर्फ उसके हाइट को, सिर्फ उसके नेचर को नहीं, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात होती है, जिसे सर्वांगीण विकास कहते हैं, उसको हम यहाँ पर पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि वो पूरा जो विकास होता है बच्चे से लेकर के मृत्यु तक, उसको हम डेवलपमेंट में रखते हैं। दो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, एक होता है आपका डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद क्या होता है आपका, जो होता है वो होता है आपका ग्रोथ होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डेवलपमेंट को समझिए, ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में क्या क्या ये चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है, इसमें जो होता है ये डेफिनेट प्रोसेस होता है, एक डेफिनेट प्रोसेस वे में चलता है, एक कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस वे में चलता है। और इसमें अगर हम बात करें तो और क्या क्या चीज़ इसके करेक्टरिस्टिक्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं, कि डेवलपमेंट जो होता है वो आपका जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, और ये क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होता है, जबकि ग्रोथ नहीं होता है, इसके परिवर्तन अनुभव किए जा सकते हैं, इसको नापा नहीं जा सकता है। और इसके जो फिजिकली और मेंटली जो स्ट्रक्चर है, जैसे बिहेवियर है, नेचर है, ये सारी चीज़ें नाप नहीं सकते हैं, बट उसको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ में किन किन चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है, ग्रोथ में क्या होता है,
उसके वजन को देखा जा सकता है, यानी कि उसके साइज को नापा जा सकता है, उसके आकार को समझा जा सकता है। ये सारी चीज़ें ग्रोथ में आते हैं, और ये जो उसका जो परिणामात्मक परिवर्तन होता है वो भी देखा जा सकता है। विकास एक चरण में होता है, विकास विकास के एक चरण में होता है। समझिए इस बात को, बहुत बहुत छोटा सा मेजर सा, थोड़ा सा माइनर सा इसमें डिफरेंस है। बहुत से लोग इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को दोनों को एक ही समझते हैं। समझिए इस बात को कि थोड़ा सा डिफरेंस इस तरीके से होता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है, जबकि ग्रोथ जो होता है ये जन्म से स्टार्ट होकर के एक मेच्योर एज तक आने के बाद में ये रुक जाता है। और ये ग्रोथ जो है इसलिए डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन ये डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट नहीं हो सकता है। आई होप कि आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा पूरी तरीके से। और भी क्या कहते हैं, और भी मैं पॉइंट आपको डिस्कस करता चलूंगा। और ये जो है विकास, यानी कि इसका जो प्रारंभ होता है ये गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। इसके जो डेफिनेशन में है, ग्रोथ के डेफिनेशन में एक बात बता दो, ग्रोथ रेफर टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। जबकि मैंने बात किया था कि इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होता है डेवलपमेंट में, जबकि ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस ही देखने के लिए मिलता है। और ग्रोथ को गर्भधारण के बाद बच्चे में वृद्धि, यानी कि ग्रोथ जो शुरू बच्चे के आकार और संरचना में जो देखने को मिलता है, परिपक्वता तक ही चलती है ये। और लेकिन उसका डेवलपमेंट कब तक चलता है, अब उसके बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। यहाँ पर मैंने पॉइंट में आपको डिफाइन कर दिया है कि डेफिनेट प्रोसेस होता है किसका, डेवलपमेंट का। जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जनरल टू स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है कि बच्चा जो है स्टार्टिंग में क्या करता है, पहले पूरे बॉडी को हिलाता है। पहले जब बच्चा होता है तो उसके हाथों पे उंगलियों पे कंट्रोल नहीं होता है, धीरे धीरे से फिर वो जनरल से स्पेसिफिक, यानी कि पहले वो पूरे हाथों को हिलाता है, फिर धीरे धीरे से वो हाथ को कंट्रोल करना सीखता है, फिर उंगलियों पे कंट्रोल करना सीखता है, यानी स्पेसिफिक वे में वो आगे बढ़ता है, फिर उंगलियों को कंट्रोल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे से उस सामान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है जो उसको चाहिए। डेवलपमेंट क्या होता है, ये नेवर स्टॉप, डेवलपमेंट जो है नेवर स्टॉप, इट कंटिन्यूअसली गोज, डेवलपमेंट हैज वेरी वाइड स्कोप। इसको छोटे से पार्ट में नहीं आप डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट हैं, मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, आप इसको एक एक करके नोट डाउन कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत मुश्किल होता है, मार्केट में भी मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैं आपको डिस्कस करा दूँ। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी बताया आपको कि डेवलपमेंट और ग्रोथ को अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था कि क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले डेवलपमेंट और ग्रोथ को समझना जरूरी होता है। ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि कहेंगे, डेवलपमेंट को विकास कहेंगे। मैंने इससे पहले भी बताया आपको क्या क्या चेंजिंग होती है इसमें, क्या कहते हैं मैनरली क्या क्या देखने के लिए मिलता है। ग्रोथ में कोई भी चीज़ नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, उसके आकार को देख करके समझा जा सकता है। और ये क्या होता है, एक लिमिटेशन एज तक चलती है, यानी कि सिर्फ परिपक्वता एज तक चलती है। जबकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक, बर्थ टिल डेथ तक चलती है। और ये क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, जबकि ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों तरीके से इसमें चीजें देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर क्या कहते हैं, सारे पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने से और ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो सारा नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। आप सारे वीडियोस को बहुत आसानी से इसको पोज करके आप सारे नोट्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जो है आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसके, चाइल्डहुड के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अब हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर बहुत ब्रीफली तरीके से। फैक्टर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, सी द फॉलोइंग चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको समझ लेना है कि दो फैक्टर्स हैं, यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं जो मेजरली आप क्या करते हैं यहाँ पर ये प्रभावित करते हैं। पहला जो फैक्टर्स होता है वो हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी होता है जिसको बोलते हैं परंपराई, या फिर उसको क्या कहते हैं, बहुत पहले के यानी कि पूर्वज जो होते हैं, हेरिडिटी को हम क्या कह सकते हैं, आपके जो पूर्वज लोग होते हैं, जेनेटिक को भी इसमें डिफाइन किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट पे आपका ये आता है और दूसरे पॉइंट में आपका ये आता है इन्वायरमेंट। सबसे पहले आप हेरिडिटी को समझते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि पेरेंट्स का बॉडीली मेंटली ट्रेट जो बच्चों में ट्रांसफर होता है, समझिए इस बात को, हेरिडिटी उसको किसको कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पेरेंट्स का बॉडीली मेंटली ट्रेट्स का ट्रांसफर जो बच्चों में होता है उसी को हम
हेल्दी कहते हैं। और ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके बिहाफ पर बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उसको प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। पहला पॉइंट, तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे ही डिस्कस कर लेते हैं कि पहले पॉइंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया जा सकता है। पहले एलिमेंट के अकॉर्डिंग सब एलिमेंट जो है, पहला इसमें क्या आ जाएगा, फिजिकल स्ट्रक्चर। अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हेरिडिटी में। बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है स्टार्टिंग एज में देखने के लिए मिलता है कि आपका जो हेरिडिटी है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हैं तो बच्चे भी उसी तरीके से इंटेलिजेंस होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और समझ लें, हेरिडिटी में जो लॉज होते हैं वो दो तरह के लॉज क्या कहते हैं अप्लाई किया जा सकते हैं। इसको पहले को लॉ ऑफ वेरिएशन और दूसरे को हम बोलेंगे लॉ ऑफ रेग्रेशन। लॉ ऑफ रेग्रेशन इसको समझ लीजिए हेरिडिटी के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ वेरिएशन में क्या होता है कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पांच, अगर पेरेंट्स के पांच बच्चे हैं तो पांचों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हैं, पांचों का कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर अगर लॉ ऑफ रेग्रेशन की बात करें तो लॉ ऑफ रेग्रेशन में क्या बात होती है, रेग्रेशन में ये बात होती है, इसमें एक जनरल बिहेवियर होता है और दूसरा होता है स्पेसिफिक। तो जनरल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उसमें देखने को मिलता है और स्पेसिफिक जो चीज़ें होती है, जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पापा की तरह से बच्चा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि पापा अगर डॉक्टर है तो बच्चा भी डॉक्टर है, तो स्पेसिफिक चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिलता है, ये डिफरेंस होता है। अब हम समझते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैसे कैसे प्रभावित होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली जिस तरह से पेरेंट्स के बॉडी होते हैं, उसका हाइट होता है, सब कुछ देखने के लिए मिलता है, उस बच्चे के अंदर भी वही चीज़ प्रभावित होते हैं, इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर आपका इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल ऑब्वियसली जिस तरीके से देखा जाता है, जिस तरह से पेरेंट्स में या उसके बाद माँ बाप में, बाप दादाओं में जिस तरह से गुस्से वाली इमोशनल चीज़ें होती हैं, वैसे बच्चों को भी देखा जाता है। उसके बाद जो है रेस के बिहाफ पर भी देखा जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं कि जो काले हफ्सी लोग होते हैं या फिर क्या कहते हैं ब्लैक अफ्रीकन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जहन नहीं होते हैं, यानी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं गोरी लोगों से, यानी अंग्रेजों से। ये एक कॉन्सेप्ट था और ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अफेक्ट करता है, ऑब्वियसली रेस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद यही इसी सब पॉइंट में क्या आ जाएगा, सेक्सुअल डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि 11 साल से 13 साल तक की जो एज होती है वो लड़कियों की एज का जो क्या कहते हैं सेक्सुअल जो एज होती है वो कंप्लीट हो चुका होता है, जबकि 13 से 15 साल जो सेक्सुअल एज होती है वो लड़कों की, उसमें लड़कों का कंप्लीट हो चुका होता है। और ये डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है और ये एज बहुत फैक्टर करता है अफेक्ट करने के लिए, किसको, इन्फ्लुएंस करने के लिए फैक्टर डेवलपमेंट को। उसके बाद इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है, कुछ बच्चे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अपनी चीज़ों को खुद ही गेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इंटरनल स्ट्रक्चर में ये आता है कि उसका नेचर, उसका एप्टीट्यूड, उसका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें भी फैक्टर करता है उसको बताने के लिए। दूसरा पॉइंट है आपका एनवायरनमेंट को क्या बोलेंगे, वातावरण बोलेंगे। ऑब्वियसली बच्चा अगर क्या कहते हैं कि रूरल एरिया में रह रहा है या फिर अर्बन एरिया से आया है तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है। बच्चा अगर सिर्फ और सिर्फ का घर में रहा है तो उसको नहीं पता है कि स्कूल की सोसाइटी किस तरीके से होती है, बाहर की सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है। इसमें कौन कौन से सब पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, पहले पॉइंट में आपका ये हो जाएगा स्कूल। ऑब्वियसली पहला अगर देखा जाए तो उसमें फैमिली होता है, फैमिली ही सबसे पहला उसका स्कूल होता है, जहाँ पर वो फैक्टर्स करते हैं, जिस तरह से फैमिली बिहेवियर करता है उस तरीके से बच्चा भी करता है। उसके बाद आपका क्या आता है, स्कूल आता है। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में देखने के लिए मिलता है कि स्कूल में बहुत सारे वेरिएशन, लैंग्वेज वेरिएशन, फैमिली वेरिएशन, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है। टीचर से मिलके, मैम से मिलकर के, नेसेसरी फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की जो चीज़ है नेसेसरी कंपलसरी है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। उसके बाद सोसाइटी एंड कल्चर तो बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, उसका जिस तरह से सोसाइटी है, जैसे अगर हम क्या कहते हैं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की सोसाइटी किस तरीके से है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अग्रसर है, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहती है, उनका मेंटली भी उसी तरीके से, वहाँ की सोसाइटी भी इसी तरह से सोचती
होती है, उसके बाद डिसीज एंड इंजूरियस। ऑब्वियसली बच्चों में, पेरेंट्स में अगर कोई इंजूरियस पाया जाता है, डिसीज पाया जाता है, कोई भी उसमें रोग पाया जाता है, तो वो चीज़ें बच्चे भी इफेक्ट होते हैं उस चीज़ से, और बच्चे को भी इफेक्ट किया जाता है उस चीज़ से। उसके बाद यहाँ पर मैंने वो जितने भी पॉइंट आपको बताए, ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, पहला दो पॉइंट मेजरली होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग जो सब पॉइंट आते हैं वो सारे को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एक एक करके आप यहाँ पर इसको समझ लेंगे, और इसको क्या कहते हैं, एक एक पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हेरिडिटी को यहाँ पर मैंने समझा दिया है कि हेरिडिटी में क्या क्या होता है, जैसे मदर वोम की बात करें, उसके कलर की बात करें, वेट की बात करें, हाइट की बात करें, उसके स्किन कलर या फिर इवन के उसके आइज यानी आँखों का जो कलर होता है वो भी हेरिडिटी के बिहाव पर भी एक्सटेंड होता है। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि बच्चे का जो आँखों का कलर है, बिलोरी जो आँखें हैं, वो पेरेंट्स पे गया है, तो ये किससे प्रभावित होकर के गया है, इन्वायरमेंट से या फिर हेरिडिटी से? ये सिटेट में पूछा जाता है, तो ये इन्वायरमेंट नहीं बल्कि हेरिडिटी से जाता है। कौन कौन से हेरिडिटी फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसमें कौन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, हाइट है, वेट है, इसी तरह से आपका क्या कहते हैं, केमिस्ट्री इन्फ्लुएंस, चाइल्ड ग्रोथ डेवलपमेंट, टॉल एनर्जेटिक, ये सारे पॉइंट्स हैं जो फिजिकल स्ट्रक्चर में आएंगे जो अफेक्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को। सेक्सुअल डिफरेंसेस भी देखने के लिए मिलता है। सेक्सुअल डिफरेंसेस में मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स और बॉयज़ के जो सेक्सुअल डिफरेंसेस होती है वो किस तरीके से मेच्योरिटी एज तक पहुँचती है, किस एज में पहुँचती है, वो सारा मैंने आपको बताया और यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने के लिए मिल सकता है। इमोशनल इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो इमोशन भी बहुत ज़्यादा ये करता है। जैसे कि बहुत, जैसे मैंने बताया चाइल्डहुड की जो एज होती है बहुत अग्रसर होता है, बहुत जेलस होता है, क्या कहते हैं, दूसरों को देख करके, सोशल मॉरल, इस तरह की लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसे ऐसे चीज़ें उसमें डेवलपमेंट होने लग जाती है। इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि आप क्या कहते हैं, B.R. अम्बेडकर को भी देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लो कास्ट को होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो उसके बिहाव पर उसका जो फैक्टर्स है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया इंटेलिजेंस होना उसका, उसका सोशल बिहेवियर, मॉरल जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल ग्रोथ, ये सारी डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। सपोज दैट एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा आगे रहेगा, इमोशनल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आगे रहेगा, तो ये फैक्टर्स करते हैं उनके अफेक्ट करते हैं। रेस की हमने बात की थी, जो रेस है उसके अकॉर्डिंग अगर बात हम करें तो एंथ्रोपोलॉजी चिल्ड्रेन ऑफ डिफर रेस डिफर इन देयर डेवलपमेंट। एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे होते हैं जैसे नेग्रो चिल्ड्रेन गैन मेच्योरिटी अर्लियर देन विथ वाइट चिल्ड्रेन। ये जो है अमेरिकन और अफ्रीकन जो होते हैं, जिसको ब्लैक अफ्रीकन बोलते हैं, उन बच्चों को अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि ये फैक्टर करते हैं, रेस भी फैक्टर करते हैं। इनके कहने के अकॉर्डिंग ये है कि जो नेग्रो चिल्ड्रेन होते हैं वो पहले मेच्योर हो जाते हैं किनसे, अंग्रेजों से, जो वाइट चिल्ड्रेन होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, ये देखो नर्वस सिस्टम आएगा आपका, है ना, उसके बाद बोन भी आएगा, उसके बाद क्या कहते हैं आपका हार्ट भी है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाए इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट सिर्फ बता दे रहा हूँ। ये देखिए इन्वायरमेंट आपको बताया था, तो इन्वायरमेंट में अब क्या क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंट वो क्या था, वो आपका हेरिडिटी था इससे पहले, यहाँ से लेकर के आपको इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर आएंगे वो मैंने यहाँ पर दिया है। नेसेसरी फैसिलिटीज़ यानी कि बच्चे को अगर शेल्टर नहीं है, है ना, फूड नहीं है, क्लॉथ नहीं है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चे को। उसके बाद सोसाइटी एंड कल्चर भी बहुत ज़्यादा, कल्चर यानी कि सोसाइटी और कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की लाइफ में, और क्या कहते हैं वो किस तरीके से सीखता है, वो अपनी सोसाइटी में रह करके ही फैमिली को पसंद करने लग जाता है, किसी के रिलीजियस को पसंद करने लग जाता है। फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फैमिली बैकग्राउंड में देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। डिसीज़ एंड इंजूरियस मैंने बताया था कि किसी को कोई अगर रोग है पेरेंट्स में से किसी को, तो वो भी बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है, उसको दिक्कत करता है। स्कूल इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा पॉइंट है। स्कूल इन्वायरमेंट किसके अकॉर्डिंग आएगा, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आएगा, तो इसमें जो है उसका जो करिकुलम है, टीचिंग मेथड है ना, करिकुलर एक्टिविटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चे को
क्या करते डेवलपमेंट करने में। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं वो मैंने एक एक पॉइंट करके इसलिए बता दिए हैं कि अगर आपका लॉन्ग आंसर रहेगा या शॉर्ट आंसर रहेगा तो आप इसको पॉइंट वाइज में एक एक करके बहुत ईजिली समझा सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट, यहाँ पर एक एक पॉइंट करके मैंने इससे पहले डिस्कस भी कर दिया है, लेकिन एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर बता भी दिया है। एक एक पॉइंट को आप इजीली आप अपने अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टोटल आपके 15 पॉइंट्स हैं। ये कैसे कैसे आपका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल ग्रोथ, वहाँ पर क्या था फिजिकल ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करता है, और यहाँ पर है कि मेंटल ग्रोथ में आपका क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। और आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंस इमोशनल डेवलपमेंट। ये जो तीन फैक्टर्स हैं, क्या कहते हैं, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, और उसके बाद है आपका इमोशनल, ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं बच्चे चाइल्ड को बड़े होने में और उसके प्रोसेस में। उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट, इसको भी मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पॉइंट वाइज मैंने एक एक करके आपको बता दिया है ताकि आप किसी भी चीज़ में इंक्लूड ना हो। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट, हेल्थ, वेरियस सोशल एजेंसीज, ये सारे पॉइंट आप बहुत आसानी से अपने नोट में इंक्लूड कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और हाँ, किसी तरह के अगर सुझाव हो या फिर किसी तरह के ओपिनियन हो मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए, किसी तरह के आपको नोट्स, और नोट्स मैं तीनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा दूंगा, हिंदी, इंग्लिश, सभी लैंग्वेज में। और ये नोट्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में लिखेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल मैंने अवेलेबल करा ही दिया है। और जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हिंदी तो अपना आप लिख लेंगे, मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन आप जब आंसर को बायलिंगुअल होकर के लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इन्फ्लुएंसिव होगा। इसीलिए आप ज़्यादा कोशिश करें कि इसको एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको दोनों लैंग्वेज में लिखने की क्षमता आए। उर्दू में अगर किसी बच्चे को चाहिए नोट्स प्रोवाइड या फिर क्लासेज या फिर एक्सप्लेनेशन, तो आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं सारे आपके कमेंट का आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।